हेलो गाइस, वेलकम टू दिस बड़ी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की ऑफिशियली रन टाइमिंग के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि एवेंजर एंड गेम जो थी वो थी 3 घंटे 2 मिनट की, जो कि काफी ज्यादा रन टाइमिंग थी और एमसीयू की ये सबसे लॉन्गेस्ट मूवी थी। पर उसी के साथ मार्वल फैंस को काफी दुख झेलना पड़ा एवेंजर एंड गेम को एंडिंग देखकर। पर कोई बात नहीं, शायद अब इस दिल को दिलासा मिल सकता है। तो फाइनली कंफर्म हो चुकी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की रन टाइमिंग, जो कि है 2 घंटे 15 मिनट की। ये एक ऑफिशियली रनिंग टाइमिंग है जिसमें कि हमें स्पाइडरमैन की पूरी मूवी देखने को मिलेगी अच्छी तरीके से और हर कैरेक्टर के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी, जिसमें कि पेपर, निक फ्यूरी, मारिया हिल और हैप्पी भी होंगे, जो कि आयरन मैन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। तो क्या होगा इन फ्यूचर ये तो आगे पता चलेगा, पर 2 घंटे 15 मिनट की रन टाइमिंग ने कमाल कर दिया। तो ये अपडेट रिसेंट में आया था, इसलिए मैंने तुरंत ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट शेयर करो। जो मत इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।